Assalamualaikum. Welcome students. MMA UPS online classes. Subject social science. Last video में हमने chapter civics का start किया था. Understanding diversity. Diversity का मतलब होता है differences, यानी विविधता, अलग अलग चीज़ें होना. हमारी country यानी इंडिया के अंदर बहुत तरीके के लोग रहते हैं. सब लोग अलग अलग religions को मानने वाले, अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशन वाले, यानी कुछ बहुत ज़्यादा अमीर, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब, सब तरीके के लोग रहते हैं. और डाइवर्सिटी को हमने एक स्टोरी के थ्रू समझा था कि बॉयज़ होते हैं दो जिनका नाम समीर सेम होता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर हर चीज़ के अंदर डिफरेंस होता है. यहाँ तक कि उन दोनों का रिलीजन जो है वो भी अलग होता है. एक हिंदू रहता है लड़का और एक मुस्लिम रहता है. आज हम अपनी चैप्टर को आगे You probably write like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of idea to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from the their imagination. हम सभी को कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद होता है. कहानियाँ हम गोस्ट की भी सुनते हैं और उसके अलावा कहानियाँ जो बनाते हैं लोग, वो उसका आइडिया अपनी रियल लाइफ से या अपनी कल्पनाओं से लेते हैं. Some may have lived in forest too close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of schools and friends and wrote stories of adventure. Kuch log जंगलों में जानवरों के पास साथ रह कर के उनकी लड़ाई, उनकी दोस्ती को देखते हैं और कुछ राजाओं रानी की कहानियों को सुनते हैं. उसकी जो रियल बातें होती है उनको उसके बारे में लिखते हैं. कुछ अपने बचपन की कहानियाँ, स्कूल के फ्रेंड्स, उनकी स्टोरीज़ को लिखते हैं. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अब हमें इमेजिन करना है कि अगर कहानी कहने वाले या लिखने वाले जो सारे लोग हैं उनको एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर सभी लोग दो कलर के कपड़े पहनते हैं, रेड और वाइट, सभी एक ही तरीके का खाना खाते हैं जैसे पोटेटोज, सिर्फ दो ही तरीके के जानवरों को पाला जाता है, डियर और कैट, और सिर्फ एक ही तरीके का गेम खेला जाता है, स्नेक एंड लैडर, यानी सांप सीढ़ी. तो वो जो लिखने वाले हैं वो किस तरीके की कहानी को लिखेंगे? अगर ऐसी कंडीशन में सारे राइटर्स को रख दिया जाएगा तो उनमें से कोई भी अच्छी कहानी को नहीं लिख पाएगा, क्योंकि कहानी लिखने के लिए कुछ एडवेंचरस होना चाहिए, कुछ अच्छा डाइवर्सिटी होनी चाहिए सब चीज़ में, और इमेजिनेशन होना चाहिए. लेकिन जब सब सेम कंडीशन में रहेंगे तो या तो वो सेम कहानियाँ लिखेंगे या वो कोई भी कहानी लिखने में डिसेबल हो जाएंगे, वो लिख नहीं पाएंगे कहानी को. डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर विविधता किस तरीके से है. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड,
celebrate different festivals, practice different religions, but actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. हमारा जो देश है भारत, वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, यानी कोई हिंदी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, राजस्थानी, सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का हम खाना खाते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि धर्म भी बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, बहुत से धर्म हैं। लेकिन फिर भी अगर हम विचार करें, ये सोचें कि करते तो हम सभी सेम ही काम है, लेकिन उस काम को करने का तरीका हमारा अलग अलग होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी को हम किस तरह से समझ सकते हैं? अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनादर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेज, ऑन कैमल्स और ऑन फुट। इस बात को हम इस तरह से समझेंगे कि जब पहले ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी, यानी वो नहीं चलते थे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो वो शिप यानी पानी के जहाज़, हॉर्सेस, घोड़े पर, ऊंट पर या पैदल जाया करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. लोग अपनी जगह को छोड़कर, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, या तो ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए, और उनको जाने में बहुत लंबा समय लगता था, टाइम लगता था, तो जब वो एक जगह चले जाते थे वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहते थे। जगह छोड़ने का एक और कारण ये होता था कि अगर वहाँ सूखा पड़ जाता, उनके पास इनफ खाने के लिए भी नहीं होता, तब वो अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे या अपने काम के तलाश में जाते थे। सम टाइम एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकम a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. यानी जब हम वो किसी नई जगह पर जाकर रहना शुरू करते थे तो वो अपने पुराने काम को कुछ बदलाव के साथ किया करते थे, तो उनकी जो भाषा है, उनका खाना, उनका संगीत, उनका धर्म, सब कुछ मिक्स हो जाता था एक नए और पुराने के साथ। The history of many places shows us how many different culture influence helped to shape life and culture there. Thus, religions became very diverse because of their unique histories. बहुत सी जगहों का इतिहास हमें इस बारे में बताता है कि किस तरह से वहाँ पर cultures का एक मेल हुआ है, fusion हुआ है, सब कुछ mix हुआ हुआ है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. इसी तरह से जो इंसान है, people कहीं रहते हैं, लोग कहीं रहते हैं, तो उनके रहने के तरीके उस जगह की ज्योग्राफिकल एरिया पर भी डिफरेंट करता है, यानी वहाँ की क्लाइमेट कैसा है। अगर कोई समंदर के पास रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीने का तरीका बिल्कुल अलग होगा उन लोगों से जो पहाड़ों पर रहा करते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द
kinds of work they do are different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grains. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. लोगों का जो सिर्फ वहाँ पर कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, ये सब ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग होता है. गांव में रहने वाले लोगों का शहरों में रहने वाले लोगों से सब चीज़ अलग होती है. आगे हम इस वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दो ज्योग्राफिकल अलग अलग एरियाज़ के बारे में रीड करेंगे, केरला और लद्दाख के बारे में. आपको जो चैप्टर जहाँ तक पढ़ाया है उसकी आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है.